हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है उत्तराखंड सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसियों के लिए। दोस्तों, उत्तराखंड सर्कल की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक की 581 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, उत्तराखंड सर्कल की तरफ से जो ये सभी 581 वैकेंसियां निकाली हैं जीडीएस के लिए, इनमें कुल 3 कैटेगरियों में अलग अलग वैकेंसियां हैं, जिसमें की ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की वैकेंसियां हैं। और यहाँ इन सभी 581 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अब इसमें आगे हम बात करते हैं आपके अलाउंसेस और सैलरी के बारे में। ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसियों पे जो कैंडिडेट को अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसको जो है वो TRCA के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस। TRCA के अकॉर्डिंग GDS की पोस्ट पे जो है वो आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, और ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पे TRCA के भी 2 स्लैब बनाए हुए हैं, जिसमें जो पहला स्लैब है वो 4 घंटे वर्किंग कंडीशन का स्लैब है। जो दूसरा स्लैब है उसमें अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है मिनिमम 5 घंटे जो काम करता है, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की सैलरी का स्लैब बनाया हुआ है। तो बात करें अगर हम ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए, तो स्लैब 1 यानी कि 4 घंटे वाले वर्किंग कंडीशन में जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी होगी वो 12,000 रुपए होगी, और 5 घंटे वाले वर्किंग कंडीशन में यानी कि लेवल 2 में जो स्लैब रहेगा वो 14,500 रुपए रहेगा। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक की पोस्ट पे जो लेवल 1 पे यानी कि 4 घंटे वाली वर्किंग कंडीशन में जो कैंडिडेट की सैलरी रहेगी वो 10,000 रुपए रहेगी। लेवल 2 पे यानी कि 5 घंटे जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें कैंडिडेट की जो सैलरी रहेगी वो 12,000 रुपए रहेगी। और दोस्तों, इन सभी सैलरीज में जो है वो सिर्फ बेसिक पे बताई हुई है, यानी इनके अलावा जो बाकी के अलाउंसेस है वो भी एज पर रूल कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिए जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे आपकी एज लिमिट के बारे में। इन सभी 581 वैकेंसियों पे 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ जो क्रूशियल डेट रखी गई है आपकी एज लिमिट चेक करने के लिए वो 23 अगस्त 2021 रखी गई है। इसी तारीख के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की जो है वो दोनों ही एज लिमिट, जिसमें की अपर और लोअर दोनों ही एज लिमिट यहाँ पे चेक की जाएंगी। और उसके अलावा इन्होंने अपर एज में यहाँ कुछ रिलैक्सेशन भी बताया हुआ, जिसमें की SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, PWD प्लस OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और PWD प्लस SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इन सभी वैकेंसियों के लिए कैंडिडेट ने जो है कम से कम 10वीं पास कर रखी हो, 10वीं में कैंडिडेट ने जो है मैथ, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पढ़ी हुई हो एज ए कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। साथ ही यहाँ कैंडिडेट को जो है वो कंपलसरी नॉलेज हो लोकल लैंग्वेज की अप टू 10th स्टैंडर्ड। और उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे हिंदी है। अगर कोई कैंडिडेट ये सारा क्राइटेरिया मीट करता है तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इन सभी 581 वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा यहाँ जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन सब से जो है वो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का 60 दिन का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, ताकि कैंडिडेट को जो है वो कम से कम बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये भी कैंडिडेट ने किया हुआ हो तभी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ दोस्तों, इन सभी पोस्ट पे जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे उनको जो है सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होगा, और एट प्रेजेंट जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट के लिए वो 1,00,000 रुपए है। तो जितने भी कैंडिडेट इन सभी वैकेंसियों पे सिलेक्ट किए जाएंगे उन सबको जो है ये 1,00,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराना होगा बिफोर ज्वाइनिंग। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल, OBC, EWS मेल और ट्रांसमैन के कैटेगरी के कैंडिडेट जितने भी होंगे उन सबको जो है वो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ऑल फीमेल, ट्रांसवेमेन, SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है यहाँ फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी इन सब कैटेगरीज के कैंडिडेट को जो है कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इन सभी GDS की वैकेंसियों पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा वो 10वीं के नंबर के बेसिस पे किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन है भी तो उसको जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी,
यानी कैंडिडेट के पास कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, जो कैंडिडेट ने नंबर स्कोर किए होंगे 10वीं क्लास में, उन्हीं नंबर के बेसिस पे कैंडिडेट की जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 23 अगस्त 2021 से शुरू हो चुके हैं और आप 22 सितंबर 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ दोस्तों उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइन और कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताई हुई है। कैंडिडेट को ये सारे डॉक्यूमेंट इन्हीं की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो ऑनलाइन सबमिट करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो इन सारी ही गाइडलाइंस और डॉक्यूमेंट की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वारी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।